वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में संशोधन के लिए गुरुवार को लोकसभा में विधेयक पेश किया गया और उसके बाद सदन में इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार चाहती है कि इस बिल में सभी दलों को साथ लिया जाए और सर्वसम्मति बनाने के लिए बिल को सिलेक्ट कमेटी को भी भेजा जा सकता है। इससे पहले बुधवार को लोकसभा सांसदों को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की कॉपी दी गई थी। इस बिल को लेकर सरकार ने पिछले 2 महीनों में करीब 70 ग्रुप से मशवरा किया है, उसके बाद इसे अंतिम रूप दिया है। आपको बता दें कि विधेयक में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में आपको हम उन्हीं बदलावों के बारे में बताने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता है कि इस बिल को सदन में आम सहमति से पारित करवाया जाए और गरीब मुस्लिम, मुस्लिम महिला, अनाथ मुस्लिम को न्याय दिलाया जाए। अगर सदन में इस बिल पर आम सहमति नहीं बनी तो सरकार इस बिल को और ज्यादा चर्चा के लिए किसी संयुक्त समिति को भी भेज सकती है। अब आइए पहले जानते हैं कि विधेयक की खास बातें क्या हैं। सरकार वक्फ अधिनियम 1923 को वापस लेगी। पारदर्शिता, बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 44 संशोधन किए जाएंगे। आगा खानी और बोहरा वक्फ को परिभाषित किया जाएगा। 5 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने वालों की संपत्ति वक्फ हासिल कर सकेगा। वक्फ के धन से विधवा, तलाकशुदा और अनाथों के कल्याण के लिए सरकार के सुझाए तरीके से काम करने होंगे। संपत्ति वक्फ को देने के दौरान उत्तराधिकारियों और महिलाओं के अधिकार नहीं छीने जा सकेंगे। रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति को 6 माह में पोर्टल पर डालना होगा और वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले भू राजस्व, सेस, उसका रेट, कर, आय, कोर्ट मामले की जानकारी भी बतानी होगी और आखिर में इस सरकारी संपत्ति को वक्फ अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा। अब वक्फ में होने वाले बदलावों के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि अब तक वक्फ अधिनियम 1995 नाम था, अब संशोधन विधेयक को नया नाम दिया गया। इससे एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 नाम दिया गया है। अब तक अधिनियम में वक्फ में मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रकार के वक्फ शामिल हैं, लेकिन संशोधन विधेयक में जो व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वही अपनी चल अचल संपत्ति को वक्फ को दान कर सकता है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि वक्फ अलल औलाद महिलाओं के विरासत अधिकारों से इनकार नहीं कर सकता है। आपको यह भी बता दें कि वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, लेकिन अब संपत्ति को लेकर अधिकारों पर कैची चला दी गई है। दरअसल वक्फ अधिनियम की धारा 40 पर सबसे ज्यादा विवाद है। धारा 40 में प्रावधान है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति समझता है तो वो उसे नोटिस देकर और फिर जांच करके तय कर सकता है कि वो वक्फ की जमीन है। वो ये भी तय कर सकता है कि ये शिया वक्फ है या फिर सुन्नी। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही जाने का अधिकार है। मूल अधिनियम में वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नरों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन संशोधन विधेयक में कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर ही सर्वे कमिश्नर होगा। इससे नीचे पद वाले अधिकारी को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। बता दें कि संशोधन विधेयक में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए एक सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस का प्रावधान है। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस दिया जाएगा और राजस्व कानूनों के अनुसार एक विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना भी होगा। नए बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की भूमिका में भी बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि इन निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। एक केंद्र पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ के रजिस्ट्रेशन के तरीके को भी सुव्यवस्थित किया जाएगा। सवाल उठता है कि वक्फ परिषद कौन होगा, तो उसमें केंद्र मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, 1 प्रसिद्ध वकील, राष्ट्र ख्याति प्राप्त 4 लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव आदि होंगे।
इनमें से कम दो महिलाओं का होना अनिवार्य है। आखिर में वक्फ संपत्तियों को क्या विशेष दर्जा मिला है? तो वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है, यह अधिनियम औकाफ को रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। एक वकीफ द्वारा दान की गई और वक्फ के रूप में नामित संपत्ति को औकाफ कहा जाता है। वकीफ उस व्यक्ति को कहते हैं जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति दान करता है। संशोधन वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R कहता है कि अगर कोई संपत्ति किसी उद्देश्य के लिए पवित्र, धार्मिक या चैरिटेबल परोपकारी मान ली जाए तो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। और अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के साथ साथ इस विधेयक का कुछ मुस्लिम संगठन भी विरोध कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि सरकार के एजेंडे का समर्थन करने वाले कुछ दलों ने भी प्रस्तावित कानून पर अपनी आपत्ति जताई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप ने विधेयक पेश होने के बाद इसे जांच के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजने की मांग उठाई है। हालांकि लोकसभा की विभाग संबंधित स्थायी समितियों का अभी तक गठन नहीं हुआ है। यदि सरकार इस तरह की कार्रवाई पर निर्णय लेती है तो सदन विधेयक की जांच के लिए स्थायी समिति की अनुपस्थिति में एक अलग पैनल बना सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।